नॉर्थ ईस्ट के पशु तस्कर डॉन रहे अकबर बंजारा पर यूपी में लगातार कार्रवाई हो रही है। आज मेरठ के बजोट गांव में अकबर बंजारा की करोड़ों रुपए कीमत की एक और संपत्ति पर बाबा का बुलडोजर गरजा। नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े पशु तस्कर डॉन रहे अकबर बंजारा की एक के बाद एक अवैध संपत्तियों पर जो बाबा का बुलडोजर है वो गरजता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें हैं लिसाड़ी इलाके की कि जहां पर अकबर बंजारा और उसके भाई ने यहां जो काली कमाई की थी उससे ये गोदाम और यहां पर जो पांच दुकानें हैं वो बना रखी थी, और आज यहां जो बाबा का बुलडोजर है वो गरजता हुआ नजर आ रहा है। एक एक करके इस पूरे गोदाम को और दुकानों को यहां पर जो ध्वस्त करने का काम है वो किया जा रहा है। मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम लगातार एक के बाद एक एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। अभी कुछ दिन पहले ही 100 फीटा रोड पर अकबर बंजारा की जो 13 अवैध दुकानें थी उन पर बाबा का बुलडोजर गरजा था, और उसके बाद उसकी कई और इस तरीके से जो बेनामी संपत्ति है उनको चिन्हित किया गया, और लगातार एक के बाद एक करके यहाँ जो बाबा का बुलडोजर है वो गरजता हुआ नजर आ रहा है। नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा पशु तस्कर डॉन था अकबर बंजारा, और वो अभी कुछ दिन पहले ही असम में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। मेरठ ही नहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी उसका जो नेटवर्क है उसको खंगालने का जो काम है वो पुलिस कर रही है, लेकिन लगातार उसकी जो संपत्तियां हैं उसको जमींदोज करने का काम भी बाबा का बुलडोजर करता हुआ नजर आ रहा है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर आज की है जब गंगा पर एबीपी गंगा पर खबर चलने के बाद डिप्टी सीएम बृजेश पाठक अचानक से रायबरेली पहुंच गए। पीएससी और सीएससी का औचक निरीक्षण किया, इस दौरान लापरवाही बरतने पर डॉक्टर्स को फटकार लगाया। और दूसरी तस्वीर कल की है, बीते कल की है, जब एबीपी गंगा ने आपको खबर दिखाई थी कि किस तरह से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लटका हुआ। दोनों ही तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, औचक निरीक्षण की आज के और कल जब हमने आपको तस्वीरें दिखाई वहां पर ताला लटके होने की और डॉक्टर्स की गैर मौजूदगी। उधर भदोही दौरे पर पहुंचे पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी, मंत्री दयाशंकर मिश्रा और कारागार मंत्री सुरेश राही ने समीक्षा बैठक की और अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण के दौरान मंत्रियों को सिर्फ एक मरीज मिला, जिसको लेकर सीएमओ की जमकर फटकार उन्होंने लगाई। इसके बाद गौशाला का भी निरीक्षण किया और वहीं कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ मिलकर विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। कई पैरामीटर में जिले में अच्छा काम हुआ है, लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर अभी और काम करने की जरूरत है। जैसे हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र में एक गांव में पंचायत का आयोजन किया था जन चौपाल का, तो उसमें बिजली से संबंधित कुछ विषय हैं, कुछ प्रधानमंत्री आवास या जो भी और लाभार्थी हैं उन लाभार्थियों की सूची में कुछ नाम छूटने वाले विषय हैं, तो सबको संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि सभी अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर चौपाल लगाकर या कैंप लगाकर और सरकारी योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करें, लोगों के बारे में उनकी जानकारी दें, जिससे सरकार की मंशा, माननीय योगी जी की मंशा, सभी लाभार्थियों को या जो पात्र लोग हैं सरकारी योजनाओं का उन्हें लाभ मिल सके, इस प्रकार का निर्देश हम सब लोगों ने दिया है।